पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, लेकिन अब इसके लिए अनोखे ढंग से आवाज बुलंद की जा रही। पौड़ी की एक रामलीला में राजा जनक का दरबार लगा था, वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी पहुंच गए राजा जनक के दरबार में। इस अनूठी मांग को देखकर हर कोई हैरान रह गया। आपके दरबार में आए हैं, अति उत्तम है महाराज, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पहले आप ये बताइए कि पुरानी पेंशन बहाल करके तो हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। रामलीला में राजा जनक का दरबार सजा है, सीता स्वयंवर की तैयारी है, तभी राजा जनक के दरबार में पुरानी पेंशन स्कीम के फरियादी पहुंच गए। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रहे कर्मचारियों ने राजा जनक के दरबार में अपनी फरियाद रखी और राजा से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की। देखिए किस अनोखे अंदाज में रामलीला के मंच पर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के महासचिव फरियाद लेकर दरबार में पहुंचे और रामलीला के अंदाज में भी अपनी बातें बयां की। आज यहाँ स्वयंवर है, मैंने सुना कि यहाँ राजा जनक का दरबार लगा है और जो राजा जो मांगना चाहे वो उसका वो मिल रहा है। तो मैंने कहा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, मैं आज मोर्चा के अध्यक्ष बीपी सिंह रावत जी ने मुझे बोला कि जाओ और पुरानी पेंशन की आवाज राजा जनक के दरबार में उठा, और मैं आज जनक जी से अनुरोध करने आया हूँ कि कर्मचारियों की जो पेंशन बुढ़ापे की सारा लाठी है उसको कर्मचारियों को अधिकारी को शिक्षकों को दे दो। और निश्चित रूप से आज जनक जी का दरबार है, हमें पूरी उम्मीद है कि दरबार में हमें पेंशन मिलेगी। और मैं यहाँ पर आज मैं मोर्चे का प्रतिनिधित्व करके आया हूँ और जो पेंशन नहीं देगा ये दरबार राजा को व्यस्त है और वो व्यस्त रामलीला का मंच और सीता स्वयंवर में अचानक बदलाव देखकर दर्शन भी हैरान थे, पर पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी इसके जरिए अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। कर्मचारी यूनियन के महासचिव ने कहा कि पिछले कई सालों से पेंशन बहाली को लेकर मांग की जा रही है पर सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने सरकार से उनकी जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। राजा जनक के दरबार में अपनी एक फरियाद रखी और हमारा उद्देश्य ये था कि हमारा जो संदेश है वो आम जनता तक पहुँचे और ये आवाज़ जो हम कर्मचारियों की है यह एक जन आंदोलन के रूप में धीरे धीरे तैयार होने जा रही है। और निश्चित रूप से भगवान श्री राम के दरबार में अगर हमने गुहार लगाए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सदबुद्धि होगी और एक कर्मचारी की जो बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन जो है वो जरूर लागू करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन पुरानी पेंशन है। और जब एक दिन का विधायक और एक दिन का सांसद बनने पर जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिलती है तो 30 और 35 साल सेवा करने के बाद कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों किया गया। कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में दर्शकों के बीच अपनी पीड़ा रखी और उस संदेश को देश भर में पहुंचाने में कामयाब भी रहे। हालांकि इंतजार इस बात का है कि रंगमंच से अलग सरकार कानूनी तौर पर कब तक उनकी मांगों पर गौर फरमाती है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर के 90,000 से अधिक कर्मचारी अब अनोखे ढंग से अपनी मांग को मनवाने के लिए अब रामलीला का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि इससे पहले लगातार जो 90,000 कर्मचारी हैं वो सीएम से लेकर अपने स्थानीय विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला उनके हक में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके बाद प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने पौड़ी में चल रही रामलीला में राजा जनक के दरबार पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग को उनके समक्ष रखा। ये एक नया तरीका था जिसके बाद वहां पर बैठे सभी लोग भौचक्के रह गए। सीताराम पोखरियाल ने बताया कि लंबे समय से 90,000 कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हर जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ये पहली बार देखा गया कि कोई रामलीला मंचन के दौरान राजा जनक के दरबार पर वो पहुंचे और उन्होंने अपनी गुहार राजा जनक के दरबार पर लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि राजा जनक के दरबार से वो खाली हाथ नहीं जाएंगे और आने वाले वक्त में उनकी मनोकामना भी पूरी होगी। अब देखने वाली बात ही जरूर होगी सरकार कब तक इस फैसले में अपना फैसला सुना पाती है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं कुलदीप बिष्ट।